अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ होंगे कि रिसेंटली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स आई हैं। परसों ही ये एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स आई हैं, तो मेरी नज़र से ये एडवर्टाइजमेंट गुजरा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए और इस पर वीडियो बना ली जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एडवर्टाइजमेंट और जो ये जो जॉब लिंक है यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसी बेहतरीन लेटेस्ट न्यूज़ वक्त ब वक्त आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। तो जब आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जॉब उस्ताद। अच्छा, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये देखें लेटेस्ट जॉब्स इन पीएसी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट 6/12/21, मतलब कल ये जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज हुई हैं। तो ये वही लिखा हुआ है इसमें कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से ये जॉब्स जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। और नीचे चले आते हैं तो ये जो पोस्ट हुई हैं वेबसाइट के ऊपर और न्यूज़ में भी 5/21 हुई हैं। डिस्क्रिप्शन ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं और ये हायर कौन कर रहा है इन जॉब्स को, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पीएसी कर रही है। अच्छा, जॉब की जो लोकेशन होगी कि जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें कहाँ पे प्लेस किया जाएगा अपने जॉब के लिए, वो पिशावर, और पिशावर के अलावा दूसरे सिटीज भी हो सकते हैं। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की ऑनलाइन है वो 27/12/21 है, मतलब अभी आप लोगों के पास तकरीबन 3 वीक्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो मैट्रिक से मास्टर हो सकती है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब गवर्नमेंट टाइप जो है वो ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 10+ हैं, और ये जो एडवर्टाइज है ये नेशन, डेली, आज, एक्सप्रेस, इनमें भी ये जो है वो एडवर्टाइज हुआ है। अच्छा जी, चलें, ये यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफर की जा रही हैं। एक तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, सेकंड ड्राइवर 3 की। आगे इन इन जॉब्स के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट है और ड्राइवर 3 के लिए मैट्रिक है। और ये बेसिकली वो पब्लिक नोटिस है, ठीक है, ये वही सीरियल नंबर में और नेम ऑफ पोस्ट जो मैंने आपको ऊपर बताई है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर SPS 3, ये बेसिकली यहाँ पे भी SPS 3 को शो कर रहा है, ठीक है। और ड्राइवर 3 ये बेसिकली SPS 2 जो है वो सॉरी, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ये SPS 3, और ड्राइवर 3 ये जो 3 है ये बेसिकली यहाँ पे ड्राइवर 3 है और ये SPS 2 है, ठीक है। ये वही जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, FAFSC फर्स्ट डिवीजन और 6 माह का उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स किया हुआ, और पर हावर और जो आई थिंक 10,000 की डिप्रेशन पर हावर, ये कोई कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर वाले इससे बेहतर समझते हैं। सेकेंड FSC कंप्यूटर साइंस फर्स्ट डिवीजन हो, और सेम 10,000 की डिप्रेशन पर हॉर्स। और मज़े की बात ये कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जो फ्रेश FAFSC स्टूडेंट्स हैं वो इस जॉब से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट जॉब है। सेकेंड ड्राइवर 3 SPS 2, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक, हैविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड ATV, हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल।
और लेकिन ड्राइवर के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 3 इयर्स का, 3 इयर्स वो भी जब लाइसेंस बन चुको उसके बाद। फर्दर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, जिस तरह एज लिमिट जो है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई TADI नहीं होगा, और सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई करेंगे जो टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो पास करेंगे, और मज़ीद इसमें बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो मैं एंड इस वीडियो के एंड पे आपको ये भी बता दूंगा कि इन जॉब्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने जैसे आपको बता दिया कि इन जो ये जो जॉब्स हैं इनके लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो बेसिकली 27/12 और 2021 है, ठीक है। इस तरह आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास और जॉब्स हैं। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली ये जो जॉब्स है ना, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर 3, इनके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है बेसिकली 21 है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है लास्ट डेट टू अप्लाई 21/12/2021। और अब जो PAEC इस्लामाबाद की जॉब की बात हम करने जा रहे हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 27 दिसंबर 2021 है। तो ये पोस्ट के नेम है और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फ्रंट पे वो लिखी हुई है। अच्छा, PAEC इस्लामाबाद के लिए जो जॉब्स हैं, अच्छा, और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर 3, इसका मैंने आपको बता दिया और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और अब हम PAEC इस्लामाबाद की जॉब्स की बात कर रहे हैं, इसमें एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर SPS 9, मतलब ऑफिसर्स की ये जॉब है, और तो दोनों टेस्ट। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ FCPS और इक्विवेलेंट फेलोशिप। इसके अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर SPS 9 कैरेडिक सर्जरी, ये मतलब SPS 9 की दोनों पोस्ट हैं। MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ FCPS और इक्विवेलेंट फेलोशिप। इसके अलावा यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट SPS 8 की भी जॉब है, और इसके लिए जियो फिजिक्स के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BS ऑनर 4 ईयर या MSc फर्स्ट डिवीजन रेलिवेंट फील्ड, मतलब जियो फिजिक्स में होनी चाहिए। और इस तरह जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर इंजीनियर, ये बेसिकली, और IT ऑफिसर SPS 8, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, इनकी भी जॉब्स हैं। जूनियर साइंटिस्ट और जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर, इनके लिए यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। जूनियर साइंटिस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर के लिए BCS, BIT, BSc, BSCS 4 ईयर फर्स्ट डिवीजन, या MCS, MIT फर्स्ट डिवीजन आफ्टर 2 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, या BBSc इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 ईयर्स। इस तरह यहाँ पे और भी चीज़ें जो है मेंशन है। ये बेसिकली जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर, SPS 8 सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी जो है वो जॉब्स आई हैं। इनके लिए भी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस भी जो है वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर SPS 7 की पोस्ट जो है वो भी आई है, तो यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इसमें। जूनियर प्रोग्रामर SPS 7 वेब डेवलपर की भी एक पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स उन्हें उन्होंने डिमांड की है। फर्दर BCS या BIT फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो ये आप देख लें, काफ़ी सारी जो है जॉब्स हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, कैरेटिक सर्जरी, ऑर्थोडोनोटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, जियो फिजिक्स, जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर इंजीनियर, IT ऑफिसर, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर प्रोग्रामर, वेब डिवेलपर। तो ये तकरीबन 10 पोस्ट जो हैं बनती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त पोस्ट आई हैं। सब लोग जो लोग एलिजिबल हैं लाजमीन अप्लाई करें।
क्योंकि ऐसी अच्छी जॉब्स बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये वही नोटिस है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है, वही चीजें यहाँ पे पोस्ट और स्केल वगैरह आपके मेंशन है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो दी हुई है। ये वो सारी जो मैंने आपके साथ ऊपर रिपीट की है। तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि किस की एक सीट चाहिए उन्हें, किस की दो चाहिए, लेकिन टोटल जो है ये 10 है। तो हो सकता है ये प्रोग्रामर जो है, वेब डेवलपर, इनकी एक एक चाहिए हो, ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर में भी इनकी दो हो, तो ये डिपेंड करता है। और ये सारे एडमिन के काम होते हैं। तो इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लें कि थ्रू आउट आपके एकेडमिक कैरियर में कोई भी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ये एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कंपलसरी चीज है। अगर आपका किसी भी एजुकेशन रिकॉर्ड में थर्ड डिवीजन है, चाहे बीएससी में है, एफएससी में है, एमएससी में है, तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं टीएसी नहीं, कमीशन की किसी भी जॉब्स के लिए। तो प्रीफरेबली फर्स्ट क्लास एकेडमिक करियर होनी चाहिए। हाउएवर सेकंड डिवीजन जो है वो अलाउ है, मतलब आपके किसी एक डिग्री में सेकंड डिवीजन भी अगर है तो वो चलेगा। सपोज आपकी एफएससी में सेकंड डिवीजन है, लेकिन बाकी आपकी बीएससी, एमएससी, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन है, फिर आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बाकी मेंशन है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर एनुअल सिस्टम है, और अगर सीजीपीए बेस्ड है तो आपका 2.5 आउट ऑफ 4 जो है वो कंपलसरी है। तो इस तरह ये और भी यहाँ पे चीजें मेंशन है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, इससे ज्यादा जो है एज नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और भी इस तरह चीजें जो है आपके पास गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये देखें कोई टीएडीए नहीं होगा जब आपका टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट्स ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, और उसके बाद मजीद स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू से भी शॉर्टलिस्ट करके फाइनल उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। और जो लास्ट डेट है इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की वो 27/12/21 है। तो आप लोग जो है वो लाजमीन अप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत जबरदस्त पोस्ट थी। इसके अलावा पीओ बॉक्स नंबर 1553 इस्लामाबाद में भी जो है वो पोस्ट आई है। ये पोस्ट के नाम मैंने बता दिए हैं, टेक 1 इलेक्ट्रिकल, टेक 1 इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक 1 मैकेनिकल, टेक 2। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो लिखी है। इस टेक 1 इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, टेक 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हो, टेक 1 मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा हो, इस तरह टेक 2 के लिए इंटर वाले लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मजीद वही यहाँ पे इनके पे स्केल बता दिए हैं, SPS 4, SPS 4, SPS 4, SPS 3, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो टेक 2 वाले हैं, SPS 3, इनमें ये के स्किल टेस्ट होगा और 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी आप देख लें, एज लिमिट वही 18 से 35 के बीच में, कोई टीएडीए नहीं होगा, और इसको आपने बाई हैंड एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने सबमिट करना है इस जॉब का, इस एड्रेस पे भेजना है, ये जो मेंशन है, फोटो आपकी लगेगी। और जो पोस्ट अप्लाई यहाँ पे आप देख लेंगे जो ऊपर आपको यहाँ पे बताया गया है उन्होंने, और नाम, फादर नेम, और सारी चीज़ें आपको करके, और इसमें के लिए अप्लाई करने की डेट जो है वो 12 दिसंबर 2021 है। तो अब मैं आपको एंड पे बता दूं कि आपने कहाँ पे ये जो पहली दो नोटिस थे इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, तो वो बेसिकली आपने इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, कैरियर जॉब 1737 पे जाके। सबसे पहले आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, यहाँ पे अपना CNIC नंबर और वो ये सारी चीज़ें कैप्चर फिल करके आप रजिस्टर करेंगे। और जब आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और CNIC और पासवर्ड दे के वहाँ पे आप अपने एजुकेशन रिकॉर्ड सारा फिल करेंगे, फिर अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, आपको मेल या मैसेज के थ्रू कंफर्म कर दिया जाएगा। और जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सबका टेस्ट हो, फिर आपको कॉल कर ली जाएगी टेस्ट के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इस तरह की किसी वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।